नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। तपती गर्मी, दोस्तों आज हम बात करेंगे तपती गर्मी में फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचें, इसके लक्षण क्या है, इससे बचाव करने के लिए क्या करें। गर्मियों का सीजन सिर पर है, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन अधिक होने की आशंका बनी रहती है। वैसे तो ये इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन अधिकतर उन हिस्सों में होता है जहाँ बहुत पसीना आता है, जमा रहता है। त्वचा की ऊपरी सतह पर पपड़ियाँ जमना, पैरों में खुजली होना, पैरों के नाखून का रंग पीला होना या नाखून मोटा होना, त्वचा पर लाल चकत्ते बनना और उन चारों ओर खुजली होना, पसीने वाले हिस्सों में ज़्यादा खुजली होना, ये सभी फंगल इन्फेक्शन के लक्षण हैं। यह संक्रामक रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है या फिर फैल सकता है खुजलाने से। जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। अपने पैरों को दिन में 2 बार अच्छी तरह से धोए। मोजे पहनने के पहले पैरों की उंगलियों के बीच का पानी पोंछ ले। हमेशा साफ मोजे पहने और पैरों में पसीना आने से रोकने के लिए कोई अच्छा सा मेडिकेटेड पाउडर तथा क्लोट्रिमेजोल पाउडर इस्तेमाल करें। प्रतिदिन नहाएं, लेकिन गर्मियों के सीजन में अधिक पसीना आने पर दिन में 2 बार भी नहाने में कोई हर्ज नहीं है। नहाते हुए उन हिस्सों को ज़्यादा सफाई करें, ज़्यादा पसीना वहाँ पर अगर ज़्यादा आता है। मार्केट में कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमेजोल, लुलिकोनाजोल मिश्रित सोप है, उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करें। पसीना आने पर उसे जल्दी सुखाने की कोशिश करें। इस समय मौसम ने कपड़े भी ऐसे पहनने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे कपड़े पहने जिससे पसीना जल्दी सूख जाए। और जी हाँ, फंगल इन्फेक्शन पहले से है तो अगर कोई भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे पहले ऐला क्षेत्र अच्छे से साफ करके सुखाने के बाद लगाएं। ऐसी गलती कभी ना करना जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है, खुजली आ रही है तो तुरंत पसीने में ही, या जहाँ गीलापन है वही जगह पर आप तुरंत कोई भी एंटी फंगल क्रीम इस्तेमाल करें। एंटी फंगल टैबलेट इट्राकोनाजोल या फिर फ्लुकोनाजोल का इस्तेमाल करें, जी हाँ डॉक्टर की सलाह से। मार्केट में बहुत सारी क्रीम है, जेनरिक क्रीम्स भी है। जेनरिक क्रीम्स का आप इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आपके 2 पैसे बचे और आपको रिजल्ट में उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। ये जेनरिक क्रीम आप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर की सलाह ले, इससे जो स्टैंडर्ड क्रीम्स है उसके जगह में ये क्रीम इस्तेमाल करो क्या नहीं करो, डॉक्टर की सलाह भी आपको लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर परमिट करता है तो आप फंगल इन्फेक्शन की कोई भी ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनरिक या स्टैंडर्ड कोई भी हो। खून साफ करने की टैबलेट्स लेना चाहिए या नीम की जो भी पत्तियां है उसका 1 चम्मच आप पी सकते हैं। अच्छे से पेस्ट बनाकर उसमें से नीम का जो भी जूस है वो बाहर निकालकर आप पी सकते हैं। तुलसी ड्रॉप्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, गर्मियों के सीज़न में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने की रिस्क रहती है, ऐसे में सावधानी बरतें। लॉकडाउन चालू है तो बाहर ना निकले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।